खबर अयोध्या से है, जहां मकर संक्रांति के पर्व पर सरयू नदी में हजारों की संख्या में महिला पुरुषों ने आस्था की डुबकी लगाई। देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने स्नान कर दान पुण्य किया। इस अवसर पर महिलाओं ने सरयू नदी की आरती उतारी। आपको बता दें कि 22 जनवरी को श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जिसमें शामिल होने के लिए देश और दुनिया से लोग अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं। इसी बीच मकर संक्रांति पर्व पर पूरे दिन सरयू किनारे लोगों की भीड़ जुटी रही। हमारे सहयोगी जेपी सोनी ने अयोध्या में सरयू किनारे लोगों से की खास बातचीत। आज मकर संक्रांति का पर्व है, हम हैं अयोध्या में और सरयू नदी के किनारे आज लोग पुण्य कमाने आए हैं, सरयू नदी में स्नान करने आए हैं। हम लोग बात करते हैं, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आप बताएं, आपका परिचय दें। देखिए, परिचय देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, वैसे तो मकर संक्रांति है लेकिन अयोध्या में राम राज्य चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर लोग भव्य महामहोत्सव मनाने की पूरी तैयारी में जुटे हैं। कारण क्या है कि जब 14 वर्ष बाद भगवान राम वनवास व्यतीत करके अयोध्या आए थे, अयोध्या ने दीपोत्सव मनाया था, ये तो 500 वर्षों का संघर्ष था, महामहोत्सव मनाया जाएगा, मारा डंके की चोट पर मनाया जाएगा। ज़्यादा किसी को कुछ बताने की ना आवश्यकता है, न समझाने की आवश्यकता है। कैमरा घुमाएंगे, सनातनियों का जन सैलाब आपको बता देगा कि स्थिति क्या। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। आज मकर संक्रांति का पर्व है और सरयू के नदी के किनारे लोग पहुंचे हैं और पुण्य कमा रहे हैं, यहाँ सरयू स्नान कर रहे हैं। सरयू नदी का महत्व क्या है यहाँ पर? अरे, सरयू नदी का महत्व क्या है? गंगा स्नान आद मुक्ति, सरयू दर्शनाद मुक्ति बताया गया है। गंगा के स्नान करने से जो मुक्ति मिलती है वो मुक्ति सरयू के दर्शन करने मात्र से मिलती है, और दूसरी बात नारायण के नेत्रों से जो निकली है वो सरयू है, साधारण है। आप जा करके उठा करके देखिए, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र, 18 पुराण है, नीतियां, स्मृतियां, उपनिषद, कठोपनिषद, कहीं पर भी उठा करके देखेंगे सरयू की महिमा क्या है। मैं आपको बताता हूँ, भगवान राम से जब प्रश्न किया गया कि ब्रह्मांड में वैसे तो सब आपका ही बनाया है, चरचर चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को आप ही अपने अंदर समाहित रखने वाले हैं, लेकिन आपको कौन सी जगह प्रिय है? तब भगवान राम ने कहा था कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन। बोले सुहावन नहीं, कारण बताओ, तब कहें उत्तर दी सरयू बा पावन, वही पावन सरयू बह रही है, और किसी को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। सरयू की निर्मल धारा अपने आप में बहुत इतिहास को समेटे है। वो जब इतिहास उठाओगे, इतिहास के पन्नों को पलटोगे, तब अयोध्या का इतिहास। और यहाँ अयोध्या के अंदर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम के अंदर आए हैं। यहाँ पे कुंभ के जैसा मेला भरा हुआ है, यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं और हम आए अमृत महोत्सव प्रोग्राम से। आज मकर संक्रांति का पर्व है, आपने सरयू में स्नान किया है तो दान पुण्य किया होगा आपने? बिल्कुल, क्योंकि आज तो दान पुण्य का इतना महत्व है कि बता नहीं सकते। इतनी पब्लिक स्नान कर रही है, इतने दान पुण्य कर रहे हैं, काफ़ी आज दान पुण्य का बहुत विशेष महत्व है। आपने भी सरयू में स्नान किया है और दान पुण्य किया है? आज सरयू में स्नान किया है, दान पुण्य किया है, और आज दान पुण्य का महत्व है। एक चीज दान करने का मतलब है 1000 चीज का दान। 1000 चीज दान करो चाहे एक चीज दान करो, आज इतना महत्व है मकर संक्रांति का। और हम राम भद्राचार्य जी के अमृत महोत्सव में आए, हनुमान यज्ञ में आए और भगवान राम कृष्ण आए प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। जय श्री राम। जय श्री राम के नारे के साथ यहाँ लोग उत्साहित है और मकर संक्रांति पे आज सरयू में स्नान करके पुण्य लाभ कमाया है, और अयोध्या में सरयू किनारे लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। जेपी सोनी A1 TV अयोध्या।